नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। करनाल में किसानों के साथ की गई मारपीट के विरोध में कांग्रेस ने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के बाद राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने करनाल में किसानों के साथ लाठीचार्ज की जलियांवाला बाग कांड से तुलना की। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजीकरण कर रही है। किसानों के साथ साथ जनता भी सरकार का विरोध कर रही है। 2500 दिन पूरे होने पर सरकार बताए कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धि है। किसानों पर लाठीचार्ज SDM के आदेशों पर नहीं बल्कि CM और डिप्टी CM के आदेशों पर हुआ। अपने पिता और क्षेत्र के प्रथम विधायक अभय सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। लाल जी ये कहते हैं कि पानी कहीं भी नहीं भरता है, उनको पहले तो कहना चाहूंगा गोद लिया हुआ उनका गांव है रामपुरा, वो पूरा जला जल भराव से भरा रहता है। कम से कम उसकी सुधी ये लोग ले ले। आप ये देखें नंदरामपुर बांध से लेकर और उधर भी पूरा पानी से जड़तल तक डूबा रहता है, उसका ये लोग कभी सुध नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है रेवाड़ से ज्यादा चिंता इनको बावल की करनी चाहिए जहाँ पर इनका बुरा हाल है। प्रत्याशी उतार दिया है, कांग्रेस भी उतारेगी या क्या कुछ सिंपल पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी का अभी तक इस बात पे फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव में पीछे भी जब चुनाव हुए थे हम लोग सिंबल पे नहीं लड़े थे, और एक विधायक होने के नाते हम देखेंगे कि अगर हमारे 2-3 लोग खड़े हुए तो हम किसी की उसमें मदद नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि कल तक किसके अंदर नामांकन होने, जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी उसके बाद इसका जवाब दे पाएंगे। विधानसभा में मांग उठाई थी तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों में जब मैंने ये सवाल उठाया था तो डॉक्टर बनवारी लाल जी ने जवाब में कहा था कि 2-2.5 घंटे में पानी यहाँ से निकल जाता है जी। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आज मुझे लगता है करीबन 1-1.5 घंटा बारिश हुई है और 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक भी पानी कहीं से हिला भी नहीं। तो वो स्वयं इस बात का जवाब दें कि वो जो ये विधानसभा के अंदर वहाँ लिखा भी हुआ है, स्पीकर गैलरी के ऊपर वहाँ पर लिखा हुआ है कि सदन के अंदर झूठ बोलने या तो झूठ बोलना नहीं चाहिए या आए ना। तो मैं उनसे कहूंगा, उन्होंने सदन में झूठ भी बोला और वो झूठ में आए भी, तो उनको इस बात के लिए अपनी माफी मांगनी चाहिए। उनकी भावना ऐसी नहीं थी और घटनास्थल से उसकी दूरी भी काफी दूरी थी। ऐसा है कि 15 किलोमीटर दूर ये हुआ है, अगर मंशा नहीं थी तो उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा कि सिर पर डंडे मारेंगे? वीडियो देख लो तो उसकी तो बकायदा वीडियो है, वीडियो बनी हुई है जी, वीडियो में सारा आया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि सिर पर डंडा मारो और किसी का बगैर सिर फूटे अगर कोई बैरिकेड क्रॉस करता है तो वो उसका सिर फोड़ दो उसका। तो इसका मतलब ये है, ये आदेश SDM के नहीं है, ये आदेश मुख्यमंत्री के हैं और डिप्टी CM के हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको आदेश दिए होंगे तब ये कार्य हुआ। जो प्रथम विधायक हैं जी रेवाड़ी के, उनकी आज जो है बर्थ एनिवर्सरी है 1 सितंबर को, और उन्होंने जो है अपने समय में जब वो यहाँ पर विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, उन्होंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे, वो उन्होंने 1 रुपया लिया और ईमानदारी के नाम के ऊपर अगर आप देखेंगे ये जो साणी से जो मीठा पानी जो रेवाड़ी को दिया गया था ये उनकी देन थी। ये नारनौल रोड और ये आपका महेंद्रगढ़ रोड इसको निकालने की बात थी, और इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी के अंदर जो है अपने समय में ये जो रोज़ गांधी मार्केट है एक ही आपके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।